जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो CRPF में भर्ती होने वाले हैं। आपको पता है CRPF की मेरिट SSGD में सबसे डाउन रहती है, लेकिन क्या ये जॉब सही नहीं है इसलिए डाउन रहती है? कई लोगों को ऐसा मतलब लगता है, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं CRPF की जॉब बहुत ख़राब है और जो लगने वाले उनको डिमोटिवेट भी कर रहे हैं कि CRPF की जॉब में क्या है, कुछ नहीं, फालतू बकवास, मतलब इतने ज़्यादा मतलब शहादत हो रही है, उस CRPF के जवानों की ऐसी ये हालत है। तो कई लड़के डिमोटिवेट हो रहे, क्या CRPF सच में इतनी गंदी? इसीलिए इसकी मेरिट नीचे रहती है, CISF NIA ये बेस्ट है इसीलिए इनकी मेरिट ऊपर रहती है, क्या सही रीज़न? तो इसको लेकर काफ़ी मतलब लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आप CRPF के में जॉब करते हो, आप एक बार ज़रूर इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि हमको लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है CRPF या ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा अगर आप CRPF में लगने वाले हो और अगर आप CRPF में नहीं भी लगने वाले हो तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको जान लेना चाहिए कि आज के टाइम CRPF की असली स्थिति क्या है, क्यों इसकी मेरिट लो रहती है, क्या रियल में ऐसी हालत है इसकी इसीलिए इसकी मेरिट लो रहती है। तो दोस्तों, साथ ही एक चीज़ और बता दूं, मैंने एक नया YouTube चैनल ओपन किया है, फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैथ तो रीजनिंग की मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। तो जो मेरे छोटे भाई बहन आने वाले एग्जामों की तैयारी करने वाले हैं, या SSGD की या किसी भी पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस की अगर तैयारी करने वाले हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दूंगा और मेरे चैनल के साथ में अटैच भी मैं कर दिया हूं। तो आप ज़रूर जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर पहला वीडियो में जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तभी मैं उस पर मेरा पहला वीडियो डालने वाला हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं कि CRPF की मेरिट इतनी लो क्यों रहती है, इसका रीज़न क्या है, क्या सच में ऐसी जॉब ख़राब है? तो नहीं दोस्तों, जो भी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि CRPF की स्थिति ख़राब है या इनमें पेमेंट कम है या मतलब रिस्क ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब झूठी अफवाहें, गलत बातें, जिन लोगों को जानकार नहीं वो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। अगर रियलिटी अगर आप देखो तो CRPF की जो मेरिट लो रहती है उसका रीज़न क्या है? आपको पता है CRPF केवल भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है और हर एक बार SSGD में सबसे ज़्यादा पोस्ट CRPF की आती है। तो जिसकी पोस्ट ज़्यादा आएगी उसकी मेरिट लो रहेगी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़के आएंगे, और जिसकी अब NIA की पोस्ट ही बहुत ही कम, 200-250 पोस्ट ऐसी आती है, CISF की भी 5,000-8,000 पोस्ट आती है। अब BSF और CRPF की मेरिट लो रहने का कारण है कि इनकी पोस्ट बदी। पहली बात तो CRPF, आपको पता है आर्मी चीफ ने कहा था कि सुनसान जगह में जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ CRPF के 2 तंबू जरूर दिख जाएंगे। मतलब देश के कोई से भी कोने में चले जाओ, कोई से भी कोने में, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, कहीं फे भी चले जाओ, CRPF का कैंप पक्का मिलेगा, तंबू पक्के मिलेंगे। अगर कैंप नहीं था तो इसका मतलब है कि क्योंकि बहुत ही बड़ी लार्ज फोर्स है, तो इसीलिए इसकी मेरिट हर बार SSGD में इसकी सीटें 20,000 के आसपास होती है, 20,000-25,000-32,000 इस प्रकार की सीटें होती हैं। तो जब ज़्यादा लोग आएंगे तो कम मेरिट वालों का भी चांस पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर CISF, मान लो 10,000 CISF में चुने गए, 10,000 CRPF में अगर फॉर्म भरते टाइम, तो ये 10,000 इनमें से 5,000 जाएंगे, बाकी जो नीचे वाले हैं वो CRPF में आ जाएंगे, क्योंकि पोस्ट इसमें ज़्यादा है। तो ये कारण है, बाकी पेमेंट अच्छी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपने भी CRPF चूज़ की है, या आपका भी CRPF में सिलेक्शन होने वाला है, या आपका सपना CRPF ज्वाइन करने का, या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने का, अगर आपने CRPF मिली आपको, तो आप अपने आप को खुश नसीब समझें। कैसे? आप एक चीज़ देखिए, आंकड़े उठाइए, वास्तविकता से आप किसी भी चीज़ को मिलाइए। आज देश में अगर आर्मी, देश की डिफेंस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके बाद में अगर तीसरी कोई फोर्स का बड़ा नाम है तो वो CRPF है। आपके अगर कंधे पर अगर CRPF लिखा रहेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं आपका काम क्या है, वो लोग बता देंगे, इतनी पहचान आज के टाइम में CRPF की अपने देश में। पहचान ऐसे ही नहीं बनती, शहादतें बहुत ही ज़्यादा दी है CRPF, बहुत ही बढ़िया काम किया है आज तक, कहीं पे भी एक भी कोई भी फ्रॉड केस में CRPF का नाम नहीं आया, कहीं पे भी डीलिंग, स्मगलिंग या किसी भी प्रकार के लिक्विड इस प्रकार में CRPF का आज तक नाम नहीं आया। मतलब इतना होनेस्टी से अपना काम करती है, अगर कहीं आया है तो वो ज़रूर मेरे को बता देगी यहाँ पर CRPF का ये गलत नाम आ रखा है, कहीं पे भी नहीं है। कश्मीर या पूरे देश में ड्यूटी करते हैं आप, इलेक्शन ड्यूटी में भी देखते हो CRPF जवान, डिसिप्लिन, वर्दी, कहीं पे भी देख लेना अप टू डेट मिलती है, इतना ऊंचे लेवल का डिसिप्लिन होता है CRPF में वर्दी का। आप कभी भी CRPF के जवान की वर्दी देखना, बिल्कुल ऐसे टिप टॉप ही मिलेगा आपको। साथ में पेमेंट सुविधा CRPF में, जो रिस्क अलाउंस की जो सुविधा है वो भी शानदार है,
हाई रिस्क लाउंज लो और लो, मतलब अगर आपको बिल्कुल पीस एरिया में रहे तो आपको कम पैसा मिले, तो अगर आप हाई रिस्क एरिया में रह रहे हो तो आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इससे क्या होता है कि आपको मोटिवेट रहते हो कि हाँ भाई मेरे को गवर्नमेंट अपनी मेहनत का पैसा दे रही है, तो इसलिए आप डीमोटिवेट नहीं होते। अब आंकड़े उठाओ, पीएमजी पीपीएमजी सूर्य चक्र कीर्ति चक्र, इनके अगर आप आंकड़े उठाओगे तो सीआरपीएफ के आंकड़े बाकी सभी पैरामिलिट्री फोर्स से ऊपर मिलेंगे। हर साल पिछले 4 या 5 साल से सीआरपीएफ फर्स्ट नंबर पर आता है पीएमजी में या पीपीएफ, पीएमजी पुलिस फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री, इनमें सीआरपीएफ का नाम हमेशा ऊपर रहता है। तो अगर घटिया फोर्स है, अगर आपकी गलत चॉइस है, तो फिर इतने मेडल क्यों, इतने नाम क्यों? आपको शायद इनके फ़ायदे नहीं पता, पीएमजी पीपीएमजी इनके कितने प्रॉफिट है वो आपको पता नहीं, इन पर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, आप देखना कितने इनके मतलब बेनिफिट्स होते हैं। ये ऐसे छोटे रिवार्ड नहीं है, बहुत ही बड़े रिवार्ड है, जिसमें सीआरपीएफ हर साल 150-200 जवानों को मिलती है। विदेश में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्पेशल ड्यूटियाँ सीआरपीएफ करती है, एनएसजी एसपीजी कोबरा आरएएफ एनडीआरएफ, मतलब सभी जगह स्पेशल ड्यूटी करती है। आर्मी के साथ अटैचमेंट ड्यूटी करती है कश्मीर में आरआर के साथ में, तो वहाँ पे भी सीआरपीएफ काम करती है, नक्सल के खिलाफ काम करती है, इसीलिए इनके इतने रिवॉर्ड हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं ना, आप सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें आप सर्विस लगने के बाद में आपका कोई भी मतलब फोर्स ज्वाइन करने का सपना, मतलब आई बी इंटेलिजेंट ब्यूरो में जा सकते हो, सीबीआई में जा सकते हो, स्टेट पुलिस तक जा सकते हो, एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो, कोबरा में जा सकते हो, रैपिड एक्शन फोर्स में जा सकते हो, एनडीआरएफ में जा सकते हो, वीआईपी ड्यूटीज़ के लिए अलग से बटालियन नहीं बनाई गई, जो वीआईपी प्रोटेक्शन करती है उसमें जा सकते हो, कमांडो बन सकते हो। और तो इतनी मतलब स्पेशल और इतनी वेराइटी, एक सीआरपीएफ भी मात्र ऐसा बल है जिसमें इतनी वेराइटी है, इतनी मतलब फैला हुआ है कि आप मतलब जो जॉब आपको पसंद है, जैसी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, इस प्रकार का आप जॉब कर सकते हो। आप किसी में नहीं जाना चाहते तो सीआरपीएफ तो ही, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है, अच्छी है, कुछ है, तो आप इनमें जा सकते हो। प्लस डिपार्टमेंटली एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है सीआरपीएफ जवान को, जो पढ़ने वाला लड़का है उसको डिपार्टमेंटली एग्जाम में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में एक एलडीसी मतलब हौलदार के लिए, डिपार्टमेंटली हौलदार के लिए 1400 पोस्ट आ रखी है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट नहीं है, सीआरपीएफ में इतनी पोस्ट है, आपको कंपटीशन फाइट करना आसान हो जाएगा। अगर आप थोड़े से माइंड लियो तो एसआई भी बन सकते हो डिपार्टमेंटली, असिस्टेंट कमांडेंट भी मर सकते हो डिपार्टमेंट में, क्योंकि बड़ी पोस्टें आती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रखी और पढ़ने में अगर आपका लगातार माइंड रहा तो आप ऊंचे पद पर जा सकते हो। पेमेंट का मैंने बताया, सैलरी सीआरपीएफ में जो रिस्क अलाउंस का जो जरिया किया गया वो शानदार रूप से डिसाइड किया गया है, हर जगह रिस्क अलाउंस, हाई रिस्क अलाउंस, लो रिस्क अलाउंस और लो रिस्क अलाउंस के हिसाब से बांट रखा है। तो सीआरपीएफ दोस्तों, जो भी लोग आपको सीआरपीएफ के बारे में ऐसा बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी फोर्स है, ऐसी फोर्स नहीं है। आपको सीआरपीएफ एक मात्र ऐसी फोर्स, आप याद रखना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, याद रखना सीआरपीएफ एक मात्र ऐसी फोर्स है जिसका कैंप आपके आसपास में कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएगा। तो इसकी सुविधा ये होगी कि अगर आप हार्ड एरिया में 6 साल ड्यूटी करते हो, उसके बाद में आप एक चॉइस पोस्टिंग ले सकते हो, तो आप अपनी नज़दीकी सिटी में सीआरपीएफ का कैंप है, तभी तो चॉइस पोस्टिंग ले सकते हो। अगर किसी फोर्स का वहाँ कैंप ही नहीं, तो आप अपनी पोस्टिंग ले सकते हो क्या वहाँ पर? नहीं ले सकते। जब उसका कैंप ही नहीं है वहाँ पर, कोई बटालियन ही नहीं है, तो आप वहाँ पर पोस्टिंग ही नहीं ले सकते। लेकिन सीआरपीएफ चारे पूरे देश में फैली हुई है, तो आप सही कहीं के भी रहने वाले हो, वहाँ पर आप 6 साल अगर हार्ड एरिया में ड्यूटी करते हो, तो अगले 4 साल के लिए अपनी चॉइस पोस्टिंग ले सकते हो अपने घर के नज़दीक। और मैंने बताया घर के नज़दीक में चॉइस पोस्टिंग लेने के फ़ायदे क्या, तो हर शनिवार को आप बिना कोई छुट्टी कटे हर स्टेशन ले जा सकते हो घर पर, तो शनिवार इतवार और सोमवार को वापस आ सकते हो, तो हफ्ते में ये छुट्टियाँ प्लस हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बड़ी फोर्स होने के, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कभी बड़ी फोर्स होने के लॉस नहीं हुए। तो मेरिट से आप कंपेयर ना करिए कि मेरिट से ये बड़ी, मैं ये नहीं बोलता कि सीएसएफ गलत है या बीएसएफ गलत है, ऐसी नहीं, लेकिन सीआरपीएफ भी किसी भी मायने में कोई सी भी फोर्स से कम नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ है या आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं भी, और अगर आपको सीआरपीएफ मिलती है, तो आप अपने आप को लक्की समझें, कि मेरी गारंटी है आप सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद में अपने आप को लक्की समझोगे। जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ ड्यूटी करोगे, यहाँ का रहन सहन देखोगे, खाना, आपको पता है खाना भी सीआरपीएफ का सबसे टॉप रहता है, तो यहाँ पे ड्यूटी करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई लोग मिलेगा कि इसको पीएमजी मिला हुआ है, यहाँ पे मिला, वहाँ पे, आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे
कि यार इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी ड्यूटी हैं, यहाँ से आपको पूछा कोबरा में जाना चाहते हो, यस कोबरा में जा सकते हो आप, जिसमें आपकी चॉइस हो उसमें जा सकते हो, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। बड़ी फोर्स में ही ऐसा होता है। विदेश में भी ड्यूटी करने के शांति संगठन के साथ में CRPF जाती है, वहाँ पर एक एक साल, दो दो साल तक, तीन तीन साल तक रहने का भी मौका मिलता है दोस्तों। तो ऐसा सभी फोर्सों में या CRPF ये नहीं है कि कमज़ोर है या ऐसा है, CRPF ही मात्र ड्यूटी है जिसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, साथ में एक चीज़ और जोड़ दूँ, CRPF एक मात्र ऐसा बल है जिसमें आपको लगातार मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक बार सिटी के दर्शन करा देगी। मतलब आप कहीं पे भी ड्यूटी रहेंगे, एक बार आपको किसी न किसी सिटी में CRPF में भेज दे, क्योंकि इतनी सारी ड्यूटियाँ रहती है, आपको किसी न किसी काम से जरूर कहीं डाक लेके या कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है, तो आपको सिटी भ्रमण का मौका मिल जाता है, मतलब पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है। आप पूरे देश में घूमने जाओगे कितने पैसे खर्च होंगे, खुद एक अनुमान लगाइए आप कितने पैसे खर्च होंगे। CRPF मतलब बहुत सारे स्टेट में, खुद अपने देश के 14 स्टेट में केवल मात्र 4 साल में जा चुका हूँ, 14 स्टेट में, शायद आप जीवन निकल जाता 14-14 स्टेट देखते लोगों। तो इस प्रकार के बहुत बेनिफिट्स हैं। और रिस्क की अगर बात करते हैं कि रिस्क सबसे ज़्यादा है या ड्यूटी सबसे ज़्यादा, ड्यूटी तो सब में बराबर ही है, आपको सुला के कोई नहीं रखेगा, आपको पैसा देगी गवर्नमेंट तो ड्यूटी कराएगी, और आप फौजी हो तो फिर आपको, अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे या अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर अपने आपको फौजी कहो ही मत ना, किस लिए फौजी कहते हो, अगर आप रिस्क लेने में मंजूर नहीं कर रहे फिर तो फौजी कहना चाहिए, लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं, रिस्क के लिए तो करते हैं। आज हमारे देश में जो सम्मान है CRPF का, किसके लिए, रिस्क के लिए ही तो है कि भाई CRPF के जवान ये रिस्क लेते हैं, ये इतना बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, कोबरा ऐसे ऑपरेशन करती है, CRPF यहाँ ऑपरेशन करती है, ये सफलता मिली या आर्मी को ये सफलता मिली, किसके पैसे हैं, किसकी इज्जत है, रिस्क की। तो अगर रिस्क ही नहीं है, नो रिस्क, तो कोई मतलब नहीं है। तो रिस्क होना ज़रूरी है कि जहाँ रिस्क है वहाँ फौजी की एंट्री फिक्स है। तो दोस्तों रिस्क तो होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क तो सभी में, मुझे बताओ आप घर से बाहर जाते हो बाइक लेके, वो भी तो 2 पहिया का है ना, अगर कुछ ना खराबी हो गया आप गिर गए वहाँ पे भी रिस्क है क्या? CRPF में ही रिस्क है, बाहर लोग तो सिविल में किसी के रिस्क नहीं है। आज इतनी यातायात के साधन चलते रहते, हर रोज़ एक्सीडेंट होते रहते, उनको रिस्क नहीं है। लेकिन देखने का नज़रिया लोगों का कि रिस्क है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क है इसीलिए तो आपकी ज़रूरत है। सेना कहाँ डिप्लॉयड होती है, जहाँ रिस्क होती है वहीं तो डिप्लॉयड होती है। तो रिस्क सभी में है। मुंबई जब ताज होटल में हमला हुआ था, वहाँ सोचा था कि किसी ने रिस्क है, तो रिस्क तो सब जगह है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये फालतू जो लोग डिमोटिवेट करिए, आप डिमोटिवेट मत होइए, आप अपना मनोबल ऊंचा रखिए, और गारंटी है मेरी एक दिन नाच करोगे आप CRPF अगर ज्वाइन किए तो 101% आप नाच करोगे अपने डिसीजन पर और CRPF पर कि हाँ मेरे को CRPF मिली मैं खुश हूँ। और यहाँ पे आओगे उन लोगों से जान लोगे कि CRPF कितनी अच्छी फोर्स है। मैं ये नहीं कि केवल तारीफ कर रहा हूँ मैं CRPF में, इसलिए नहीं, जो भी और भी लोग आपके भाई बंधु उनसे भी पूछ लेना अगर वो अलग फोर्स में है तो CRPF कैसी फोर्स है। मेरिट नीचे जाने का रीज़न कोई इसकी ख़राब रेपुटेशन नहीं है, ज़्यादा पोस्ट आती है बड़ी लार्ज है इसीलिए इसकी मेरिट लो रहती है। तो ठीक है दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं होना है। जय हिंद।